आसानी से ऐसे व्यू देखने को मिलते नहीं है, मतलब समझ लो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ व्यू है। अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में तवांग सर्किट का टूर कर रहे हैं। इस एपिसोड में आप देखेंगे दिरांग से तवांग तक का सफर। इस सफर में बहुत एक्साइटमेंट है। सेला पास के रास्ते पर हमने ऐसे ऐसे व्यूज देखे जो हमारे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस थे। बादलों की मूवमेंट, दूर दूर तक पहाड़, खूबसूरत नजारे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। हमने सेला लेक को बहुत नजदीक से देखा, काफी समय हमने सेला पास पर भी बिताया। हम जसवंतगढ़ मेमोरियल भी गए, वहां पर जाके हमने देश के उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जो 1962 की वॉर में शहीद हो गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आप पसंद करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। आज हम दिरांग में हैं, अरुणाचल प्रदेश में तवांग सर्किट में हम ट्रैवल कर रहे हैं। इस समय हम देखिए मोनेस्ट्री के बाहर खड़े हैं। हम कल रात को यहीं पे रुके थे मोनेस्ट्री में। पिछले एपिसोड में यहाँ की मैंने रहने की अकोमोडेशन भी वीडियो में दिखाई थी। 1500 रुपीज़ हमने यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी में रूम टैरिफ दिया है, मील अलग से रहता है। देखिए अभी हम तवांग जाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तवांग यहाँ से रफली 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बाहर का व्यू देखिए, सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम है, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं सुबह 4 बजे उठ गया था, 4:45 पर मैंने नोटिस किया था सनराइज हो गया था। चलिए हम तवांग का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में जो जो सीनिक व्यूज आएंगे वो देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, मालूम नहीं इस समय सुबह का टाइम है रास्ते में हमको नाश्ता करने को कहाँ पे मिलेगा। चेकआउट करेंगे जब हम ट्रैवल कर रहे होंगे। चलिए अगले 5 मिनट में यहाँ से चल रहे हैं। दिरांग से भी हमने लगभग 17 किलोमीटर का सफर किया। यहाँ पर हम चल के नाश्ता करेंगे, 3-4 शॉप्स हैं यहाँ पर। अभी 7:45 बजे का टाइम है, शॉप्स खुल चुकी हैं। अभी कैसा क्या मिल सकता है अभी नाश्ते में? पूरी, रोटी, मैगी, साथ में क्या भाजी, आलू राजमा सब्जी होगा, दाल, दो रोटी और साथ में भाजी और एक पूरी। अच्छा ये ना देखिए, यहाँ पर सामने जो रोटी बन रही है वुड फायर पे बन रही है। ओ बढ़िया, सही है, आपने कांसे की थाली में दिया, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग ब्रेकफास्ट है, पत्ता गोभी, दाल, आलू भाजी, यहाँ पर बैंगन की भाजी, साथ में रोटी। उफ बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पर ना मेरे को ऐसा लग रहा है जो पत्ता गोभी और दाल का टेस्ट मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत जमाने के बाद इतना स्वाद आ रहा है। मौसम ठंडा है और एकदम गर्म गर्म और वेरी टेस्टी। आलू और बैंगन की सब्जी बेहतरीन। आप मुझे ना एक पूरी और दीजिएगा, बहुत बढ़िया। जो सादगी और स्वाद दाल में है ना, सेम लेवल पे ये राजमा आलू की सब्जी में भी है। आंटी खाना बहुत ज्यादा स्वाद लगा, बेहतरीन। तो आप सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हैं? 7 बजे से। हमारा बिल कितना हो गया आंटी? 540। तो शाम को कब तक रहते हैं आप? 9 बजे तक, 8 बजे तक रहते हैं। 8 बजे सुबह 7 से शाम को 8। अच्छा जी, धन्यवाद। नाश्ता करने के बाद हम 1 किलोमीटर आगे आए हैं। हम अभी विजिट करने वाले हैं न्यूकमादुंग वॉर मेमोरियल। हम सब जानते हैं 1962 में चाइनीज आर्मी इंडिया में एंटर कर गई थी, तवांग के रास्ते वो लोग यहाँ तक आ गए। यहाँ पर जो इंडियन आर्मी की ब्रिगेड थी सेला को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको खबर आ गई थी 17 नवंबर को कि चाइनीज आर्मी यहाँ तक आ चुकी है, मतलब इसके नज़दीक आ चुकी है। तो टैक्टिकल विड्रॉल करने के लिए उनको बोला गया। यहाँ पर सामने इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह जो उस ब्रिगेड को लीड कर रहे थे, उन्होंने चाइनीज आर्मी के साथ लड़ाई करी और
चाइनीज आर्मी क्योंकि आउट नंबर कर चुकी थी 18 नवंबर 1962 को, तो इस लड़ाई में हिंदुस्तान के बहुत सोल्जर्स शहीद हो गए, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर वॉर मेमोरियल बनाया गया है। चलिए ऊपर चल के वॉर मेमोरियल विजिट करते हैं। यहाँ पर उन सब वीर जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने 62 वॉर में अपनी जान गंवाई और इस देश के लिए शहीद हुए। जब भी हम देखिए वॉर मेमोरियल आए तो सबसे पहले मन में जो थॉट आता है, लता मंगेशकर जी का वो गाना है ना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। बहुत बड़ी कुर्बानी है इस तरह से देश के लिए शहीद होना। 1962 के बारे में हम काफ़ी हद तक जानते ही हैं कि उस समय इंडियन आर्मी सही मायने में चाइनीज़ आर्मी को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी, ना वेपन होते थे उस समय, ना ही उस समय उस प्रकार की ट्रेनिंग होती थी। आप जब भी दिरांग से तवांग की ओर जा रहे होंगे तो आप भी यहाँ पर रुकिएगा, यहाँ पर आके आप इस देश के लिए जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। चलिए जी अब हम यहाँ से चलते हैं। अभी हम सेला पास से केवल 12 किलोमीटर दूर है। हम इस रोड से आ रहे थे तो मैंने ये बोर्ड देखा, प्रपोज्ड अप्रोच रोड टू सेला टनल। तो अगर आप यहाँ से सीधा चले जाएंगे ना तो एक टनल आएगी, उस टनल के रास्ते आप तवांग शॉर्टकट से पहुँच जाएंगे। अभी ये टनल तैयार नहीं हुई है, इस पर काम चल रहा है, साल डेढ़ साल में कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरफ को खड़े होकर सराउंडिंग्स देखिए, सामने पहाड़ के ऊपर बर्फ की जो हल्की हल्की नीचे गिरती हुई बर्फ दिखाई दे रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, और ऊपर बादल, सो ब्यूटीफुल। पिछले 20-25 मिनट में ना मौसम बदल सा गया है, एक घंटा पहले या 45 मिनट पहले अच्छे से धूप निकली हुई थी, लग रहा था बहुत सनी डे है, यहाँ पर ऊपर आए तो बादल ज़्यादा हो गए, धूप कम हो गई, अब वापस अचानक धूप आ गई। मैंने बताया आपको ये रोड सीधी जाएगी टनल से और हम यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर सेला पास को जाएंगे। मैंने अपनी एक्साइटमेंट होल्ड नहीं कर पा रहा, अभी 7 किलोमीटर हम और आगे आए हैं। ओहो, अनइमेजिनेबल। आप गूगल में सर्च कर लो अरुणाचल प्रदेश के क्लाउड की फोटोग्राफ्स और कैसे कैसे सीन होते हैं, मुझे लगता है पूरा इंटरनेट ढूंढ लोगे तो भी ऐसा सीन नहीं मिलेगा। उफ, सबसे पहले नीचे से देखना शुरू करो, यहाँ से जिगजैग रोड्स हैं, ठीक है, 7-8 लेवल पे रोड्स दिख रही हैं और पहाड़ में हम जो देख रहे हैं ना नीचे से ऊपर की तरफ उठते हुए बादल, और वहाँ देखो बादलों का रंग एकदम सफ़ेद, दिल खुश हो गया। मेरा मतलब मन क्या हो रहा है, जब हम हमारे आखिरी के 4-5 किलोमीटर है ना, ये यहाँ से पैदल चले सेला पास, थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं, वहाँ से भी सीन देखते हैं। सेला यहाँ से 5 किलोमीटर है ये लिखा हुआ है। ओहो, आओ थोड़ा और आगे चलेंगे। 5 साल में मैंने पहाड़ पे एक से एक बढ़कर सीन देखे हैं, ये जो आज मैं देख रहा हूँ ना ये मेरे लाइफ के टॉप 10 व्यूज में से है, और पिछले 10 मिनट में जो व्यू मैंने देखा है मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा तो मन हो रहा है इधर ही 2-3 घंटे रुक जाओ। और उसके बाद जैसा मैंने अभी बताया ना, आगे का सफर 5 किलोमीटर में पैदल करूं, ऐसा मन हो रहा है। हवा ना इतनी ठंडी है और कंटिन्यूसली तेज हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं टोपी को नहीं लेकर आया अपने लिए। यार टोपी के बिना गुजारा नहीं है, ऐसा ठीक रहेगा, जैकेट भी निकाल लेते हैं। टोपी और जैकेट के बिना इतनी ठंडी हवा में गुजारा नहीं है। अब ठीक हो गया, फिट एकदम। अभी सेला पास 2.5 किलोमीटर और दूर है, दोबारा से रुक गए हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब पहाड़ में इस प्रकार हम हाइट में खड़े होकर देखते हैं ना रोड कैसे बनाई गई है,
और उस पर धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा होता है। देखो यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ ऊपर एक ट्रक दिखाई दे रहा है और वहाँ पे एक गाड़ी दिखाई दे रही है और एक मोटरसाइकिल वहाँ, दैट्स इट। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था पैदल जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन अब मैं अगले 2 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलने वाला हूँ। इंजॉय करेंगे और अगले 2.5 किलोमीटर यहाँ से पैदल। फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ, क्रू और गाड़ी का ड्राइवर पीछे है, वो वहीं पर बैठेंगे। मैंने कहा था आ जाओ पैदल साथ, कहते नहीं आप जाओ, आपको आगे से पिकअप कर लेंगे। ये देखो सामने बर्फ दिखाई दे रही है, गदर। चेला पास 13,700 फीट, दिरांग में हम थे 5,000 फीट पे। यस, फाइनली हम सेला पहुंच गए हैं। सामने जो गेट लगा हुआ है ना, गेट के उस पार वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है और इधर मैं खड़ा हूँ तो अब हम तवांग डिस्ट्रिक्ट एंटर कर गए हैं। ये पूरा एरिया सेला पास है। ये है जी लेक, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, मेरे को वहाँ पे पता चला था लेक है यहाँ पर। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। सर्दियों में ना अक्टूबर एंड के आसपास जब बर्फ यहाँ पहली बार पड़ती है, उसके कुछ दिनों के बाद ये लेक फ्रीज हो जाती है। विंटर्स में इस जगह का टेम्परेचर -10 डिग्री तक चला जाता है। लवली, थोड़ा वहाँ चलते हैं उस पत्थर के ऊपर। देखो हाथ डालने में तो कोई टेंशन नहीं है, बर्फ का पानी है। अब जैसे से बर्फ मेल्ट हो रही है ना, तो उसी से लेक बन रही है। कूल, एक लेक ना उस तरफ भी है, वहां भी चलेंगे। देखो ये छोटी लेक थी और ये लेक देखो कितनी बड़ी है। उफ, ह्यूज साइज लेक, व्हाट अ ब्यूटी। एक काम करेंगे, ये सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से उतर के वहां तक चलेंगे लेक के पास तक। आओ इधर आओ, यहाँ पर आके मुझे कुछ कुछ फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे जब हम स्पीति टूर करते समय चंद्रताल लेक गए थे ना, वहां भी लेक व्यू कुछ कुछ ऐसा ही था। थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर खड़े होके आप लेक को तो देख ही रहे हो, अब वेजिटेशन कम हो गई है पिछले 10 किलोमीटर से, अब थोड़ी सी हरियाली यहाँ पर है, कुछ घास उगी हुई है। कहते ना सेला पास, तो सेला पास नाम इसी से पड़ा कि दो पीक्स के बीच में जहाँ से रास्ता बन जाए। पुराने ज़माने में ये ट्रेड रूट हुआ करता था, एनिमल ह्यूमन माइग्रेशन पासिस के थ्रू हुआ करती थी, तो इसलिए नाम हम पास बोलते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इस समय बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा इतनी तेज़ है कि अगर मैं आधा घंटा और यहाँ पर बैठ गया तो मेरा चेहरा पूरा लाल हो जाएगा, हाथ तो लाल होने स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि धूप निकली हुई है तो ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही, लेकिन हवा तेज है। देखता हूँ कितने सेकंड पानी मैं हाथ में कंफर्टेबली डाल सकता हूँ। अच्छा ये पानी ज़्यादा ठंडा है, 7 सेकंड हो गए। 8, 9, 10, 13 14 सेकंड में हाथ फुल लाल हो गए। देखो मजा आ गया। कुल मिला के मज़ा तो बहुत आ रहा है। अब सोचो हम यहाँ पे आए हुए 1.5 घंटा हो चुका है और ये 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। जहाँ से हमने सीढ़ियाँ उतरनी शुरू की थी ना, वहाँ से हम लगभग 1/2 किलोमीटर तो आगे आ चुके हैं क्योंकि हम अंदर की तरफ से आ गए। लेकिन अगर आप लेक की परिक्रमा करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। देखो रेलिंग लगी हुई है ना, इसके बाहर बाहर से आप चलते हुए वो सामने से चले जाओ, उधर आप आते आते वापस आ जाओगे। 12 बज चुके हैं, सुबह नाश्ता इतना हैवी किया था उसके बावजूद मुझे ना वापस भूख लग गई है। हमेशा क्या होता है, मैंने देखा है हिल्स में जब आप सफ़र कर रहे होते हो ना, तो आपको मन होता है कि कुछ ना कुछ हर 3 घंटे में खाते रहो, तो शायद यही रीज़न है। तो ऊपर चल के देखते हैं मैगी मोमोज जैसा कुछ मिल जाए तो खा लेंगे, साथ में चाय भी पी लेंगे। आंटी
क्या मिलेगा आपके पास खाने में? मैगी, चाय, कॉफी। मोमोस? मोमोस नहीं है, आदमी नहीं है, बनाने वाला नहीं है, हम अकेला। मैगी वाला पर्सन है तो हमें। अच्छा, आप तो मिले थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैगी दे दीजिए हमें। पहले एक प्लेट दे दीजिए। एक प्लेट नहीं होगा सर, दो तीन बनेगा, कोई बनेगा, हम अकेला है ना। हमें आप दो प्लेट मैगी दे दीजिए और मैगी के बाद हम फिर आपसे चाय लेंगे, ठीक है? देखो ऐसा है, मैगी का स्वाद तो मज़ा मेरे को हिल्स में ही आता है, अदरवाइज मैं मैगी नहीं खाता। थोड़ा सा इन्होंने प्याज डाल दिया, थोड़ी हरी मिर्च डाल दी और हवा यहाँ पर भी तेज़ चल रही है। अंदर भी थोड़ी सिटिंग स्पेस थी लेकिन यहाँ बैठ के खाने का मज़ा ज़्यादा है। ग्रेट है। चाय पियेंगे और उसके बाद हम ऊपर की तरफ लेक देखने चलेंगे कि वो लेक कैसी दिखती है। ऊपर की जो लेक है उसका रास्ता दिखाओ। कहाँ पर है? हाँ, वो टिन के बगल में लेक है। जो सबसे ज्यादा मेरे को आनंद आ रहा है लेक को देखने में वो एक्चुअल में ये लेक है। नंबर टू पे वो नीचे वाली लेक है जहां पर मैं बता रहा था आप लेक किनारे घूम सकते हो। ये लेक मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पर एक अपने सामने में बादलों को मूव करते हुए इतने नजदीक से देख रहा हूँ। सच अ ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ पर ना एक कामनेस है, लवली। कुछ देर पहले ना मैं एक चीज हाईलाइट करके दोबारा बताना चाहता था लेकिन फिर माइंड से निकल गई। मैंने कहा बाद में बताऊँ, बाद में बोलूंगा। जैसे ही आप सेला पास पे गाड़ी रोकते हो ना, जहाँ मैंने पहली बार पानी में हाथ डाला था, वो जो लेक है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है। मतलब इतना ज़्यादा है कि किसी एक या दो लोग के लिए उठाना भारी पड़ेगा, तीन चार घंटे लग जाएंगे। तो अब मैंने ना यहाँ पर जो ढाबा वाली लेडी हैं उनको भी अलग से बात करी। मैंने उनको बोला कि आप आपस में मिलकर करो जो दो तीन यहाँ पर ईटरीज हैं, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे, सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दोगे, बेचोगे, अर्निंग करोगे लेकिन सफाई का ख्याल नहीं करोगे, तो हो सकता है 6 महीने साल के अंदर गवर्नमेंट को लगे यार ये तो अति हो गई है और लोकल अथॉरिटीज़ आपका ढाबा यहाँ पे क्लोज कर दें। तो मैंने उनको समझाया बात दोनों तरफ से होगा, बेचने वाले को भी ध्यान देना ज़रूरी है और टूरिस्ट को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब हम लोग का जो ऑडियंस रीच है वो ऐसा तो नहीं है करोड़ों में है कि हमारा वीडियो करोड़ लोग के पास जाए और हर कोई इन्फ्लुएंस हो, लेकिन जो भी लिमिटेड लैक्स में रीच है, मेरी पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 ध्यान दीजिए। मेरे को बड़ा ऑनेस्टली यहाँ पर आके ऐसा महसूस हुआ। और सिर्फ इधर की बात नहीं कर रहा, मैंने दिरांग में भी यही चीज़ नोटिस करी, बॉमडिला में भी नोटिस करी। एनीवेज, एक बार आप इस लेक का व्यू दोबारा देख लो। आसानी से ऐसे व्यू देखने को मिलते नहीं हैं, मतलब समझ लो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ व्यू है। जैसे हम लोग धनकर गए थे ना स्पीति टूर करते समय, तो धनकर में भी कुछ कुछ ऐसी बात थी लेकिन वहाँ बादल नहीं दिखे हमको इस प्रकार से मूव करते हुए, लेकिन बड़ी सी लेक थी लेकिन कुछ कुछ वातावरण धनकर जैसा है। आई एम वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पर आए। हैप्पी के साथ साथ मैं ना एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ, राइट? चलो अब हम यहाँ से चलेंगे आगे ऑन वे टू तवांग। बीच में जो जो पॉइंट्स आएंगे देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सेला पास से अभी हम लगभग 20 मिनट का सफर करके आगे आए हैं। ये देखो सामने कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, सही लग रहा है, सो नाइस। अभी हम मिडिल हिमालयाज में ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ अपर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज में जो बर्फ पिघल रही है ना उसका पानी आ रहा है यहाँ पर। और बार बार जैसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इस पूरी जर्नी में जो चीज़ ने मेरे को इम्प्रेस कर दिया है ना वो है बादलों की मूवमेंट। दिन भर मैं यही देखता रहता हूँ कि चलते हुए बादल दिखाई देते हैं ना, मेरे को बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, सुपर। ये बगल में ब्रिज है, थोड़ा उस तरफ चलते हैं। वहाँ से पानी ब्रिज के नीचे से घूमता हुआ यहाँ से जा रहा है, इधर भी अच्छा लग रहा है देखकर। वाओ, ये यहाँ पर ना एक नया ब्रिज बना रहे हैं, उससे क्या बड़े ट्रक भी इजीली निकल सकेंगे और बड़ी गाड़ी भी बहुत आसानी से वहाँ चली जाएगी। देखो हल्की हल्की बरसात स्टार्ट हो गई है, बेहतर रहेगा हम चलते, नहीं तो कैमरा भीग जाएगा।
सेला पास से अभी हम लगभग 13 किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ पर आप इतनी सारी गाड़ियाँ जो खड़ी देख रहे हैं ना, सब लोग यहाँ पर जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल विजिट करने आए हैं। यहाँ से अंदर जाएंगे। हम यहाँ पर उन ब्रेव सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने 1962 वॉर में इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 20 अक्टूबर 1962 को इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी अलग अलग बॉर्डर एरिया से। चार चाइनीज आए फिर चले गए उस प्रकार से। 17 नवंबर 1962 को चाइनीज आर्मी इस जगह आ गई जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ पर आके जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको उन पर हमला बोल दिया। ये हमला कैसे कैसे हुआ और क्या उसके टाइमिंग्स थे उसके बारे में देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए डिटेल में लिखा है, सुबह 5 बजे 17 नवंबर को पहली बार हमला हुआ, उसके बाद 7:45 पे हुआ। इस प्रकार से एक थर्ड अटैक भी हुआ। जो पहले 3 अटैक्स थे उसमें इंडियन आर्मी हावी पड़ गई और चाइनीज़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो चौथा अटैक हुआ सेम दिन पर, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक था क्योंकि वो हिल के ऊपर से चाइनीज़ ने अटैक किया। उस अटैक में इंडियन सोल्जर्स जख्मी हुए और मारे गए। जब ये सब चल रहा था तो 3 ऐसे वीर थे जिन्होंने सीनियर से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद कि आप पीछे हटो और सेला आ जाओ, उसके बावजूद भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। उनके नाम हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, त्रिलोक सिंह नेगी जी और गोपाल सिंह गोसाई जी। इनको महावीर चक्र, वीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुख की बात यह है, जब 62 वॉर हुई तो हमारी ना इंटेलिजेंस उस समय उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज है। उस समय चाइनीज़ क्या तैयारी कर रहे हैं, कितने महीनों से कर रहे हैं, कोई खबर नहीं थी। तो जब वो अंदर आ गए तभी पता चला चाइनीज़ अटैक हो गया। ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको मेमोरियल ऊपर चल के हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस पोस्ट पे जो जो इंडियन सोल्जर्स वॉर में लड़े उनके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जसवंतगढ़ इन मेमोरी ऑफ राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिसमें 3 ऑफिसर्स थे, 4 JCO थे, 147 OR थे, मतलब अदर रैंक्स, और जो 7 लिखा है ना वो 7 सिविलियंस थे, और 4th Battalion ऑफ गढ़वाल राइफल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। आइए अंदर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी का बिस्तर आज भी लगाया जाता है। हर मंगलवार को ना चादर बदली जाती है, डेली बेसिस पे उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, और ऐसा कुछ समझ लीजिए कि जितने भी लोग यहाँ इस पोस्ट पे तैनात होते हैं दिन की शुरुआत यहीं से करते हैं और दिन का एंड भी इधर से ही करते हैं, मतलब सुबह माथा टेका और शाम को डे एंड करते समय दोबारा से माथा टेका। ऐसा कहते हैं कि कुछ लोकल लोग हैं जो आज भी अपनी नज़रों से राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी को महसूस करते हैं कि वो यहाँ पर हैं और इस वैली को गार्ड कर रहे हैं। नूरा और सेला 2 बहनें थीं, बाहर मैंने आपको बताया कुछ सिविलियंस भी थे 7, उन सिविलियंस में 2 बहनें थीं जिन्होंने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की मदद करी। आखिरी दौर में जब वो समझ लिए 72 घंटे तक लड़ते रहे तो वो उनको बंदूकें ला के देती थी, गोलियाँ ला के देती थी, और लास्ट में आके तो ये हुआ कि इनको मालूम चला कि वहाँ पर एक बंकर में चाइनीज़ सिपाही हैं, उन्होंने पहले ग्रेनेड फेंका, उसको बंकर को तबाह किया और वहाँ से उनके वेपन लेकर वापस आए, तो सारे चाइनीज़ सिपाही मर गए थे लेकिन एक बच गया था। तो वापस आते समय रेंग रेंग के वापस आ रहे थे, उसी समय उस चाइनीज़ सिपाही ने उनके सिर पर गोली मारी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। यानी घायल होने के बावजूद 72 घंटे तक नॉनस्टॉप लड़ते रहे। मैंने बहुत लोगों से ये बात समझी है, यहाँ पर आके भी मैंने समझा कि अगर यहाँ पर इस पोस्ट में इतनी दलेरी से लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो शायद जो आज हम देख रहे हैं ऐसा नहीं होता। चाइना की आर्मी तो अंदर आ ही चुकी थी, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि बॉमडिला के आगे टेंगा वैली है वहाँ तक वो लोग चले गए थे, और कुछ लोगों ने बताया तेजपुर तक चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ, चाइनीज़ आर्मी पीछे हटी। उसके पीछे कारण क्या है जो हम बड़ा क्लियरली समझते हैं कि हम इस समय मिडल हिमालयाज में हैं, तिब्बत पार्ट है ट्रांस हिमालय का, मैं उस बॉर्डर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैकमोहन लाइन है। 1919 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अंग्रेज़ों ने मैकमोहन लाइन ड्रॉ करी कि इस तरफ तिब्बत और इस तरफ हिंदुस्तान है। जब भी आप तवांग रूट पर ट्रैवल कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा, इस मेमोरियल को विजिट करिए, श्रद्धांजलि दीजिए।
जितनी बात मेरे को मालूम थी मैंने आपको बताई, बाकी जो मैंने यहाँ के आपको मोटा मोटा जाना वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया। अब हम थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं। नीचे जाने से पहले मैं आपको चाइनीज़ ग्रेवयार्ड भी दिखा देता हूँ। इस पोस्ट पे ना 298 चाइनीज़ को यहाँ पर दफनाया गया। सामने देखो पार्क भी है, तो यहाँ पर ग्रेवयार्ड है। ये सब तो हम जान ही गए कि चंद हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने 300 से ज्यादा चाइनीज सिपाहियों को इसी पोस्ट में एक ही दिन में ढेर कर दिया। बहुत बढ़िया, वेरी टेस्टी। हलवे का स्वाद तो बड़ा जबरदस्त है। आज बैसाखी के दिन पर यहाँ पर 15 पंजाब यूनिट ने लंगर ऑर्गेनाइज किया। कभी भी आप इस रूट से तवांग जा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुक सकते हैं। सुबह 6 बजे से तो चाय स्टार्ट हो जाती है और 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आपको चाय और डोसा और इस स्नैक आइटम मिल जाती है। तो आप यहाँ पर रुकिए, मेमोरियल विजिट करिए और आगे की जर्नी तवांग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने यहाँ के लंगर भी कर लिया और मेमोरियल भी बहुत अच्छे से विजिट किया। हम 50 मीटर थोड़ा ऊपर की ओर आए और पहुंच गए जसवंतगढ़ स्मृति स्थल। ठीक है, अंदर हम हॉल के आ गए हैं। सबसे पहले आप ये वृक्ष के दर्शन कर लीजिए। मैंने आपको बताया ना, बाहर लिखा हुआ था कि इस वृक्ष के किनारे राइफलमैन जसवंत सिंह जी ने अपने जीवन की कुछ आखिरी सांसें ली थी। यहाँ पर हम देखिए कुछ पेंटिंग्स देख रहे हैं। टोटल जो पेंटिंग्स हैं, हर पेंटिंग के नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये पेंटिंग किसके बारे में है और उनके जीवन के बारे में। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने 62 की वॉर में अहम भूमिका निभाई। समझ लीजिए ट्रूप्स को ये लोग लीड करते थे। यहाँ पे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी के बारे में लिखा हुआ है, उनकी पेंटिंग तो है ही। मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, इनका जो जन्म है वो 1941 में हुआ और 62 की वॉर में उनकी डेथ हो गई। तो समझ लीजिए उनकी उम्र 21 से 22 साल रही जब उनकी डेथ हो गई। 4 साल की उनका 4 साल उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली आर्मी में काम किया और 22 साल की उम्र में इतनी दलेरी से ये युद्ध लड़े कि आप जब यहाँ आओगे सब पढ़ोगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि हैट्स ऑफ टू ऑल द सोल्जर्स जिन्होंने 1962 की वॉर में पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया फॉर द नेशन, उन सबको तो हम सैल्यूट करते हैं। तो अब ये भी देख लेते हैं एक बार, पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ राइफलमैन जसवंत सिंह। ये उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए। और यहाँ पर जो आप स्टेन गन देख रहे हैं ये चाइनीज है, तो बाद में जब खुदवाई हुई ना तो चाइनीज स्टेन गन मिली तो वो लाके यहाँ पे डिस्प्ले पे रख दी। तो अब हम बाहर की ओर चलते हैं। अंदर नॉन सीएसडी गिफ्ट शॉप है, जैकेट्स थी और भी काफ़ी कुछ था। मैंने अपने लिए ये टोपी ले ली है, आगे तवांग के आगे हमें काम आएगी। 120 रुपये इसका रेट है, थोड़ी सी टाइट है, पहनने से खुल जाएगा। जिस हिसाब से अभी फॉग आया हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि तवांग पहुंचने में रूटीन में तो लगते हैं 2-2.25 घंटे, लेकिन हो सकता है हमारे को ज़्यादा टाइम लगे। विजिबिलिटी देखो ना कितनी डाउन है और अभी हर 15-15 मिनट में ये विजिबिलिटी और डाउन होती जाएगी। चलिए गाड़ी की तरफ वॉक करते हैं और फिर वहाँ से ऑन वे टू तवांग। रास्ते में वैसे एक वाटरफॉल भी आता है, हमें थोड़ा डाइवर्जन लेना पड़ता है अगर, तो थोड़ी विजिबिलिटी लगी बेटर है तो जाएंगे, नहीं तो हम जब तवांग से रिटर्न आ रहे होंगे ना तब हम वाटरफॉल विजिट करेंगे, ये हमारा प्लान है। हम तवांग पहुंच चुके हैं। मेरे साथ तवांग होमस्टे जहाँ हम रह रहे हैं ना उसके ओनर हैं। आपका नमस्ते, आपका नाम आपने बताया गेलसन, फुनसो गेलसन, फुनसो गेलसन, ग्रेट। तो पिछले 1.5 घंटे से हल्की हल्की बरसात हो रही है और हमने अभी लास्ट में ना 2 घंटे में कोई भी साइट सीइंग नहीं करी। जब हम चले थे जसवंतगढ़ मेमोरियल से तो काफ़ी ज़्यादा फॉग थी, 1 घंटे के बाद फॉग क्लियर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे बरसात में हम लोग यहाँ पहुँच गए। इस समय 7:15 बजे का टाइम है, तो पहले चल के रूम देख लेते हैं। ठीक है सर, आप रूम, आपके पास कितने रूम्स हैं?
सर ये अभी तो 9 रूम्स ओरिजिनल है सर। 9? हाँ सर। ये रूम है ना? हो ठीक है, तो 1500 रुपीज़ इसका टैरिफ है, राइट? ये वाले सर ज़्यादा है। हाँ अच्छा, 1500 दूसरे रूम का है, इसका कितना है? अच्छा, हमने बेसिकली दो रूम्स लिए हैं, एक का टैरिफ 1500 है और एक का 1800 रुपीज़, तो मुझे लगा ये 1500 वाला है। अब कल का हमारा प्रोग्राम ये रहेगा कि कल हम लोकल तवांग घूमेंगे, अभी के लिए आपको बाय बाय। कमेंट करके बताइए आज की जर्नी आपको कैसे लगी, हालांकि आज हमने दिन काफ़ी जल्दी स्टार्ट किया था, लेकिन अब इससे ज़्यादा जल्दी कैसे करते, वो ऑलरेडी काफ़ी जल्दी किया। लेकिन टिप आज के दिन की एक ही है कि दिरांग से चलें तो जल्दी से जल्दी निकलिए, तो आपके पास पूरा दिन होगा ये जर्नी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। चलो, थैंक्स फॉर योर टाइम। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था तवांग का अच्छा व्यू कहाँ से दिखाई देगा। दिस इज अ वेरी गुड प्लेस, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है ये। तवांग में ऐसे है कि मतलब गर्मी तो होती नहीं सर, दो तीन महीने के बाद तो फिर बर्फ गिरेंगे, फिर ठंड हो जाएगा। यहाँ पे समर करके कोई सीजन नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल। और विंटर? जी सर। वापस रेंज। उसने भारत की पीठ पर खंजर उतार ही दिया।